तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, आज 8वां नवरात्र है, कन्या बिठाएंगे और उनको खाना वाना खिलाएंगे। सो गाइस रिया और चीनू तो यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, टीका लगा दिया। तो गाइस आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए, मतलब 6 बजे, 5:30 बजे उठ गया था। 4 बजे तू 4 बजे उठी थी। मम्मी आप कितने बजे उठे थे? 3 बजे। मतलब इतनी जल्दी कैसे उठ जाते यार। सो गाइस अभी मम्मी बना रही है हलवा पूरी, हलवा चने पूरी। सो गाइस पापा भी उठ चुके हैं, नहा धोके पूजा करके लेटे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कन्या के आने का। क्या हुआ? जो नहीं मिल रहा। जो कहाँ जाता रहता है तू? ये अपनी मस्ती में कुआ रहता है ना। जोजो आज मिले लू टीका ना लगाया जोजो के। हाँ जोजो के भी टीका लगा। सो गाइस ये देखो जोजो कैसा लग रहा है टीका लगवा के। जोजो तूने टीका लगवा लिया? ओ जोजो ने प्रसाद में मुंह मार दिया। सो गाइस दो कन्या और आ गई हैं छोटी छोटी। तो गाइस कन्या तो सारी आ चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइस अभी तो सिर्फ 6 कन्या मिली हैं और 3 को बाद में खाना खिला देंगे क्योंकि सुबह सब नहीं उठते, ये सब सुबह उठने वाले बच्चे हैं। सो गाइस सबके साथ जोजो भी अभी खाना खाएगा। सो गाइस जोजो का भी प्रसाद आ गया है और सभी अभी प्रसाद खा रहे हैं जोजो के साथ। तो गाइस कन्याओं को तो खाना खिला दिया है, अभी 6:50 हो रखे हैं और वैसे अभी कोई काम भी नहीं है, तो मैं वापस से सोने जाऊंगा और अपनी नींद पूरी करूंगा। ओए खड़े हो जाओ, हम नहीं सोने देंगे। आप उठ गए तो उठ गए का क्या मतलब है? सो गाइस मैं तो उठ चुका हूँ, नहा भी लिया, अभी मैं खाना खाऊंगा। सो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आज खाने में छोले पूरी हलवा। गाइस आज का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के बात करते हैं आपसे। तो गाइस आज ना हम कार चैलेंज करने वाले थे 24 घंटे का, पर भाई किसी इशू की वजह से ना कार चैलेंज नहीं कर पाए, 3-4 दिन बाद करेंगे। और गाइस आज मम्मी कह रही थी कि मैं गोलगप्पे चैलेंज में ना तुम सबको हरा दूंगी, तो आज मेरे दिमाग में आएगी गोलगप्पे चैलेंज करते हैं। हां करो, बड़ी मम्मी खा लेगी सारा। सारा खा लेगी? हां सारा खा जाएगी, गोलगप्पे पसंद है ना इसलिए। मम्मी जीत जाओगे मेरे से? तू खाएगा ना, मुझे फालतू खा जाओगे। अच्छा मेरे से ज्यादा खा जाओगे? पापा से भी ज्यादा खा जाओगे? सबसे ज्यादा। आप भी करोगे चैलेंज? ये तू भी करेगी गोलगप्पे चैलेंज? तो गाइस आज ना सभी चैलेंज कर रहे हैं गोलगप्पे का, मम्मी पापा चीनू और रिया, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। गाइस ये देखो क्या कर रही है चप्पल के साथ। चल चीनू गोलगप्पे लेने चलते हैं, कितने लाए? 200। सौ गोलगप्पे सूजी के, 100 गोलगप्पे आटे के, 100 सूजी के। हाँ तो गाइस जब से इनको ऑर्डर दिया है ना मैंने, तब से भाई लगे हुए हैं गोलगप्पे डालने में। सो गाइस ये हो गए हमारे 200 गोलगप्पे। सो गाइस ये हो गई हमारी पानी और चटनी। ये क्या कर दिया? बहुत ज्यादा है। तू नहीं बोला था 200 गोलगप्पे लिया? जो तू भी करेगा चैलेंज? मना कर रहे तो। सो गाइस अभी ना चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले ना रिया चीनू और पापा चैलेंज करेंगे और उसके बाद मम्मी और मैं चैलेंज करेंगे 1 मिनट में किसने ज्यादा खाए, जिसने भी ज्यादा खाए होंगे ना वो जीत जाएगा चैलेंज। कौन जीतेगा पता चीनू? वैसे गाइस मम्मी ना पूरी शोर है कि मम्मी जीत जाएगी। तो गाइस पापा भी आ गए, हमारे कंटेस्टेंट तो तैयार हो गए हैं, पापा चीनू और रिया करें स्टार्ट। तो गाइस तीनों की प्लेट में ना बराबर गोलगप्पे हैं और 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खा लेगा ना वो विनर बन जाएगा। 1, 2, 3 स्टार्ट। ओ भाई रिया की स्पीड सबसे तेज है। ओ भाई पापा सोच रहे हैं गोलगप्पा खा के, पापा ने 2 ही खाए हैं, रिया 4-5 खा चुकी है, चीनू का तीसरा है। रिया के नाक में पानी निकल आया, गले में फंस गया। गाइस इसमें यही होता है, गले में भी फंस जाता है। हाँ पानी पी सकते हैं साथ में। जल्दी जल्दी जल्दी, रिया ने शुरुआत में स्पीड दिखाई, अभी आके ना बिल्कुल रुक गई है, गले में अटक गया ना। 7वां 1 मिनट तो हो चुकी है, स्टॉप, रुक जा रुक जा। बहुत मोटे मोटे हैं। 5 खा पाए पापा ने, 5 खाए, रिया ने 6 खाए, चीनू ने 7 खाए। बस मेरे को तो लगा 1 मिनट में तुम मतलब ऐसे 20-30 खा जाओगे। इनका तो 1 मिनट का करवा दिया, मम्मी और मैं ना 3 मिनट का चैलेंज करेंगे। मेरे को भी गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है और मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है और हमारा मन भी कर रहा खाने का इनको देख देख के। 2 दिन भाई मेरे यहाँ पे अटक गए, पेट में गए ही नहीं, मन खराब हो गया। आज के बाद कभी भी नहीं चैलेंज करेगी, अब गोलगप्पे नहीं खाएगी 1 महीने तक। सही है। सो गाइस मम्मी और मेरे चैलेंज के गोलगप्पे तो रेडी हो गए हैं। ये देखो मम्मी ने क्या किया, डोंगा ही पानी में भर लिया, पूरा पूरा खाना है। ठीक है वैसे ना मम्मी स्ट्रेटजी लगा के बैठी है पूरी, तो चलो गाइस चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 गो। कितने खाए चुनो? 6, 7 मम्मी के कितने हो गए? 4 कितने हो गए मम्मी? 1 मिनट भी नहीं है अभी, मम्मी सही खा रही है भाई, 1 मिनट होने वाली है। मम्मी ने कितने खा लिए? क्या मम्मी टके क्या? ओ भाई अरे अरे मम्मी आपने हरा दिया, आंसू आ गए भाई। गाइस मेरे को भी लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, मम्मी जीत गई यार। मम्मी इतनी जल्दी कैसे खा लिया आपने?
बड़ी मम्मी जीत गए। गाइस मम्मी है ना ट्रिक मस्त लगाए, पानी में भिगो के रख लिए पहले गोलगप्पे, नरम कर लिए थे वो गले में फंसे नहीं, पर मम्मी खाती चली गई। मस्त प्लान। तो गाइस मम्मी तो जीत गई है, तो आपको कैसा लग रहा है चैलेंज जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी ना सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के बाद चलते हैं जोजो को पार्क में लेके। तो चलो गाइस चलते हैं। जोजो जोजो वो कैसे बैठा है? तो ये ना गोदी में बहुत आराम से बैठता है। ड्यूक डर की ड्यूक, ओ ड्यूक वो आराम से छोड़ मत दियो, गलती से भी पार लेगा ये भाई, ये फाइट लड़ता है, इसको दूर कर ले। ओ भाई तो गाइस ये ना जोजो को बहुत देख रहा है, और जोजो बैठा बैठा इसको देख रहा है। दूर रखियो जोजो से, वैसे ये बच्चों को कुछ नहीं कहता। ड्यूक ये देखो गाइस इसको ना संभाल में ही नहीं आ रहा चीनू के, पूरी कोशिश कर रहा है चीनू। तो गाइस अभी ना एक बंदा ना अपना पिटबुल लेके आया था, वो ना 4 साल का था और ड्यूक के आसपास भी नहीं था, ड्यूक से बहुत छोटा था वो। अपना भाई गली में हवाबाजी कर रहा था सब बच्चों के सामने, हट जाओ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं ड्यूक को लेके चला गया उसके सामने, और फिर ना भैया भैया करने लग गया, बोला भैया दूर कर लो हम किसी का मांग के लाए हैं, कुछ हो जाएगा। ये देखो गाइस सब देख रहे हैं, दो दो जनों ने पकड़ रखा है, फिर भी चीनू के संभाल में नहीं आ रहा। आज फाइनली ये पार्क में आया है जोजो। गाइस ये ना बहुत ज्यादा खुश लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, देख देख कितनी मस्ती में आ रहा है। देख ओए ओए मजा आया तेरे को झूलने में? ओए 24 आवर्स वाली कब आएगी वीडियो? 24 घंटे गाड़ी में रहने वाली, वैसे तो मैं आज बनाने वाला था, कल करेंगे। तुमने भेजा था लेटर? तो गाइस जोजो ना भी बहुत ज्यादा शांत बैठा है, भूख भी नहीं रहा ना काट रहा, पहली बार घूमने आया ना ये बाहर। इस पे झूलेगा दोबारा से? उल्टी तो नहीं कर देगा पिछली बार की तरह? करके देख चल। क्या हुआ, किसकी हालत खराब हुई बताओ? कैसा लगा, क्या हुआ क्या हुआ ओए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ओए क्या हुआ? ये बैठ तो जाते संभाल में नहीं आता कुछ भी, खत्म। इसकी आंखें लाल होगी। ये देखो भाई जोजो के लिए कितनी भीड़ लगी है। भाई तुम कैसा लगता है जोजो बताओ? ये देखो भाई जोजो को देखने के लिए कितने लोग आ गए। तो गाइस पापा भी पार्क में ही आ गया, चाचा भी आ गए। फिर से झूलेगा? क्यों क्या हो गया, खत्म हो गया? खत्म हो गया अंदर से। तो गाइस ये देखो फिर से भीड़ लगी जोजो के लिए। ड्यूक किस किस को देखना है भाई बताओ? पूरे बहादुरगढ़ में ड्यूक जैसा पिटबुल कहीं भी नहीं है। मन लग गया तेरा, चले घर पे बाय कर दे जोजो। ये अपने आप चल रहा है? ओ भाई भूत, ओ मैंने एक वीडियो देखी थी पता, उसमें ऐसे ही झूला चल रहा था और उसके बारे में न्यूज़पेपर पे भी आ गई थी। और कैसे चलता है चीनू बताइयो ये? ये तो भाई चित हो गया, पार्क के घूम लिया जरा सा, इसको तो नींद आने लग गई। ठंडी ठंडी हवा लग रही है पार्क की और हरी हरी घासें दिख रही है, तो ये सो रहा है। कितनी भीड़ लग गई थी इसको देखने के लिए, सब देख रहे थे, बहुत भीड़ लग गई थी मम्मी इसके लिए, लड़के लड़कियां सब थे इसको देखने वाले। सो गाइस जोजो ना भाई सुबह से बाथरूम में ही बैठे जा रहा है, बाथरूम में थोड़ी ठंडक है ना तो इसलिए ठंडक लेने के लिए बैठा है। हमने सोचा इसको नहलाई देते हैं, गर्मी भी दूर हो जाएगी। जोजो ने नहाना स्टार्ट कर दिया है। गाइस ये ना बहुत आराम से नहाता है, ये आराम से खड़ा है देखो। जोजो बेबी मजे आ गए ना आज नहाके, बार बार जाके बाथरूम में बैठा था, बस बहुत नहा लिया जोजो। वो देख मुंह कैसे कर रहा है, देखो गाइस कैसे कर रहा है ये। ओ भाई सो गाइस जोजो तो नहा लिया है, अभी रिया इसको पूछ रही है अरे कहाँ भाग रहा है। सो गाइस जोजो तो नहा लिया है और मम्मी खाना लिया ही है, दाल तो तुम्हारे भी। आज खाने में नमकीन चावल दही ब्लैक चने। सो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना, खाना खा के बात करते हैं आपसे। सो गाइस मैंने खा लिया खाना, अभी मैं 360 वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा काफी ज्यादा। और गाइस आज हमने ना गोलगप्पे चैलेंज किया, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई मम्मी जीत जाएगी, मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था बहुत ज्यादा कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी चैलेंज वगैरह कर चुका, मैं प्राइज भी जीत के लाया था। इसका मतलब गाइस कहीं भी गोलगप्पे चैलेंज होता होगा ना तो मम्मी को पार्टिसिपेट करवा सकता हूँ मैं। और गाइस आज जोजो को पार्क में लेके गए और भाई उम्मीद भी नहीं थी कि भाई जोजो को इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मतलब पार्क में भीड़ लग गई थी और सभी लोग मतलब जोजो के पीछे ही पड़ गए थे। और गाइस मैं ना बहुत सारे कुत्तों को पार्क में लेके गया हूं, पर भाई जोजो जितनी भीड़ कभी भी नहीं लगी, मतलब भाई सबसे प्यारे कुत्तों में ना अब जोजो को मानता हूं मैं। और भाई तुम खुद ही देख लेते हो मम्मी मतलब कैसे अब जोजो को हाथ में रखती है। सो गाइस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, अभी मुझे एडिटिंग करनी है और एडिटिंग में भाई काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।